बरतानवी दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान के मरकजी शहर दिल्ली में 9 जनवरी 1920 को हकीम मोहम्मद सईद का जन्म हुआ। अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने के बाद नौजवान मोहम्मद सईद 1938 में 18 बरस की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में ग्रेजुएशन और मेडिसिनल केमिस्ट्री की डिग्री हासिल करके 1942 में अपने ख़ानदानी इदारे हमदर्द से मुंसलिक हुए। माजी के झरोकों में झांक कर देखें तो नज़र आता है हमदर्द यानी तिब्बे यूनानी यानी हमदर्द। ये तासुर खाबी नहीं बल्कि हकीकत है, जबकि इसके पीछे जो दिमाग था उसे दुनिया बड़े हकीम साहब यानी हकीम अब्दुल हमीद के नाम से जानती है। एक नाम जिसने तिब्बे यूनानी को नई बुलंदी दी। असल में 1906 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में हमदर्द की बुनियाद रखी थी। उनके इंतकाल के बाद उनकी अहलिया ने अपने बेटे हकीम अब्दुल हमीद के तावुन से कारोबार को जिंदा रखा। पाकिस्तान बनने तक हमदर्द एशिया में तिब्बी अदविया का सबसे बड़ा इदारा बन चुका था। ये तकसीम मुल्क से कबल का पहला खानदान है जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमदर्द के नाम से फला फूला, बल्कि रूह अफजा के नाम पर रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। हमदर्द का ये मशरूब दुनिया भर में अपनी शानो शौकत के सबब लाल बादशाह के नाम से भी मशहूर हुआ। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश का वजूद अमल में आया तो ढाका हमदर्द का नाम हमदर्द बांग्लादेश हो गया। यानी कि तकसीम के बाद हमदर्द बर सगीर में सुकड़ा नहीं बल्कि फैलता चला गया। दरअसल जब रूह अफजा का नुस्खा आजमाया गया तो मुल्क क्या दुनिया इसकी मरीज हो गई। रूह अफजा ने हिंदुस्तान में हकीम अब्दुल हमीद और पाकिस्तान में उनके भाई हकीम मोहम्मद सईद को पैर जमाने और उरूज पाने में सबसे अहम किरदार निभाया। हकीम मोहम्मद सईद ने तकसीम वतन के वक्त इंतहाई बेचैनी में पाकिस्तान का रुख किया। एक तवील जद्दोजहद के बाद उन्होंने हमदर्द का नाम पाकिस्तान में उतना ही रोशन कर दिया जितना कि हिंदुस्तान में हुआ। 9 जनवरी 1948 को कराची आए। 50 रुपए महीना पर एक दुकान और 12.5 रुपए माहाना पर फर्नीचर किराए पर लेकर अपने काम का आगाज किया। फिर नाजिमाबाद में अब्दुल मजीद सेंटर की बुनियाद डाली, जिसने हमदर्द फाउंडेशन की राह हमवार की और हकीम मोहम्मद सईद ने इस इदारे को खिदमत के लिए बाकायदा वक्फ कर दिया। 1952 में तुर्की गए, जहां उन्होंने अनकरा यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में PhD की और फिर सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी की हैसियत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तालीम देते रहे। 1963 में हुकूमत से मुबैना इख्तलाफात पर उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। हकीम सईद को 1964 में सियासी उफक पर उस वक्त काफ़ी तवज्जा मिली जब उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत में वजारत सेहत के आला तरीन अहदेदार और पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर के सरबरा सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली खान पर कड़ी तनकीद की। ये वही जनरल वाजिद थे जो हिकमत और होम्योपैथिक तरीका इलाज के खुले नाकद समझे जाते थे। गवर्नर सिंध बनने के बाद भी पाकिस्तान भर में अपने मरीजों को बाकायदा देखते और उनका मुफ्त इलाज करते रहे। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब और अद्विया साजी को जदीद साइंसी खतूत पर उस्तवार किया। अक्वामे मुतहदा के इदारे यूनेस्को के जरीदे पयामी के भी मुदीर रहे और दुनिया भर में तिब व हिकमत की तालीमी और तदरीसी सरगर्मियों के साथ साथ बैनल अक्वामी सेमिनार्स और आलमी कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी बाकायदगी से शिरकत किया करते। वो बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। कॉलेज सईद है कि बच्चों को अजीम बना दो, पाकिस्तान खुद ब खुद अजीम बन जाएगा। उन्होंने बच्चों की तरबियत के लिए रसाला हमदर्द नौनिहाल जारी किया और बज़्मे नौनिहाल के हजारों प्रोग्राम्स के जरिए उनकी इस्लाह और तरबियत का सामान किया। साथ ही हमदर्द नौनिहाल अदब के प्लेटफॉर्म से सैकड़ों किताबें शाया की। गुजरते वक्त के साथ ही हकीम मोहम्मद सईद के दिल में इल्म व हिकमत के फरोग की तड़प पड़ती रही और वो जुनून में बदल गई।
कराची में मदीनतुल हिकमत नामी मंसूबा भी इसी दीवानगी का नतीजा है, जहां आज बैतुल हिकमत के नाम से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल और दीगर अहम इदारे कायम हैं। साइंस व सकाफत और इल्म व हिकमत का ये शहर आज भी उस शख्स की याद दिलाता है जिसके अज़्म व अमल ने रेगिस्तान को एक इल्मी नखलिस्तान में बदल दिया। 23 अक्टूबर 1969 को हकीम सईद का इदारा हमदर्द पाकिस्तान बिलाखिर हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान में ढल गया और अब वक्फ की हैसियत रखता है, यानी इदारे का मुनाफा फर्द या खानदान की मिल्कियत नहीं होता। हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान के जेर एहतमाम 1985 में तिब्बी उलूम की जामे हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम की गई और हकीम सईद हमदर्द यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर मुकर्रर हुए और आखिरी सांस तक वाइस चांसलर हमदर्द फाउंडेशन के सदर रहे। 19 जुलाई 1993 को उन्हें गवर्नर सिंध मुकर्रर किया गया और वो 23 जनवरी 1994 तक इस मनसब पर फाइज रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1966 में सितारा इम्तियाज और बाद अज वफात निशान इम्तियाज से भी नवाजा। मशरकी अद्वियात के शोबे में पाकिस्तान के मुमताज तिब्बी मुहक्किक हकीम मोहम्मद सईद ने तिब, फलसफा, साइंस, सेहत, मजहब, तबियात, अदबी, समाजी और सफरनामे में तकरीबन 200 किताबें तसनीफ और मुरतब की। उनकी तमाम तर इल्मी, तिब्बी और समाजी खिदमात और तरक्याती कामों के बावजूद 17 अक्टूबर 1998 को हमला आवरों ने कराची में हमदर्द लेबॉरटरीज के दरवाजे पर गोली मारकर हलाक कर दिया। जिस एहसास अदम तहफ़ के सबब उन्होंने हिंदुस्तान को अलविदा कहा था, उसने पाकिस्तान में उन्हें शिकार बनाया। उनके कत्ल के मुहर्रिकात आज तक अवामुल नास के सामने नहीं आ सके। उनकी लहज से आज भी ये सदा आती होगी, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने।